तो यार हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी ऑप्शन और जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी आपको पता होगा मेरा नाम पारुल है और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही होंगी आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन के लिए तो यार अभी हम लोग सबसे पहले सारी इंग्लिश की फिल्मिंगो से आपकी पोएम्स कवर कर रहे होंगे उसके बाद हम आपके चैप्टर्स पर फोकस करेंगे और उसके बाद आपके विस्तार्स के सिलेबस सारा कवर करेंगे स्टार्टिंग विद द पोइम्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूजुअली पोएम्स में से पूछी जाती हैं हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स में आर द रेफरेंस टू कॉन्टेक्सट तो बेसिकली इसमें जो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली काफ़ी श्योर शॉट होते हैं कि इनमें से एक तो डेफिनेटली तुम्हारे पेपर में आ रहा होगा वो उसमें से पहला ये है कि तुम्हारा पोएम लिखी किसने है तो सबसे पहले चाहे तुमने पोएम पढ़ी है पहले नहीं पढ़ी है जस्ट मेक श्योर कि तुम सारे पोएम्स के पोएट के नाम विद स्पेलिंग्स याद कर लो रट लो उनको 95% फाइव चांसेस है कि वो एक मार्ग का सीधा क्वेश्चन होएगा तो वाई लीव तो क्यों छोड़े हम वो नंबर जो हमारे पास आराम से आ सकते हैं तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा ये आता है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है सिम, जैसे सिमिली मेटाफर पसोनिफिकेशन एट्सेट्रा ये सब मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ समरी में बट ऑल्सो डिटेल्ड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए वो सब वो नोट्स में कवर हो रहेगा तो नोट्स कहाँ मिलेंगे यार नोट्स आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन कर लें सारा स्टडी मटेरियल नोट सारा वहाँ पे अपलोड हो रहा होगा समरी तो यहाँ पे होएगी बट अगर आप नोट्स साथ के साथ फॉलो नहीं करोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा और बहुत चांसेस हैं कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर दो तो यार शुरू करते हैं हमारी पहली पोएम से माई मदर एट सिक्सटी ये पोएम लिखी है कमला दास ने और यार इस पोएम की बेसिक आउटलाइन रिवॉल्व करती है एक मदर डॉटर रिलेशनशिप पे और कैसे एक डॉटर एक्सप्लेन करती है अपने थॉट्स अपनी मदर के लिए और बहुत जेनेरिक वे में कैसे वो डर रही होती है कि शी माइट लूज हर वन डे ये पोएम इस थॉट प्रोसेस के अराउंड रिवॉल्व करती है तो यार शुरू करते हैं तो बेसिकली पोएट है वो वापस जा रही है कोचिन में और जैसे ही वो ड्राइव कर रही है उसके लेफ्ट साइड पर उसकी मदर बैठी है जो सोच चुकी हैं उसके बाद उनकी मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं जहाँ पे सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है वो है सिमिली जो यूज़ होता है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स में तो बेसिकली यार इसका मतलब क्या है मदर की शक्ल बिल्कुल ऐश को रिजेंबल कर रही है उनका मुंह खुला है और वो इतनी ओल्ड हो चुकी है उनका फेस इतना पेल है कि वो ऐसा लगता है कि वो मर चुकी हैं बट ऐसा नहीं है वो सिर्फ सो रही हैं बट और सिंस उनकी डॉटर को पता है कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं वो अपनी ट्रोएज पर पहुँच चुकी हैं वेर शी माइट डाई एनी डे तो वो थाट पोएट को बहुत डिस्टर्ब करता है और वो सोचती रहती है कि अपनी मदर को वो लूज़ ना कर दे तो ये सारी नेगेटिव थॉट्स को यार अपने दिमाग से निकालने के लिए इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए पोएट गाड़ी के बाहर देखती है अब यार दूसरा सिनेरियो जो पोएम का आता है उसमें एक बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन दी गई है जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर कितना टेंस और नेगेटिव सा माहौल है बट बाहर पर सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ़ स्पीच है वो यूज़ करके हमें बताया गया है ट्रीज़ स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन जो डिपिक्ट कर रहे हैं जॉयस लाइवली और एक बहुत फन एटमोसफियर और इन्वायरमेंट जो कि उनकी गाड़ी में नहीं है बट वो बाहर देखती हैं और फिर अपने थाट्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं उसके बाद यार हमारा थर्ड पार्ट आता है पोएम का जब पोएट एयरपोर्ट पहुंच जाती है और अपने फाइनल चेक इन करने के बाद जब वो अपनी मदर को फाइनली गुड बाय करना चाहती हैं और वो फिर से अपनी मदर को देखती हैं उसके बाद यार एक और सिमिली से उनकी मदर को कंपेयर करा गया है और उनकी मदर को कंपेयर करा गया है एज लेट विंटर नाइट्स मून तो बेसिकली इसका क्या मतलब है यार जैसे किसी अंधेरी रात में जब भी एक फुल मून को या मून को क्लाउड्स घेर लेते हैं और उसकी जो प्रॉपर चमक होती है वो विजिबल नहीं होती है वैसे ही पोएट अपनी मदर को देख रही होती है और उनकी खूबसूरती को ढंग से देख नहीं पाती है उनको बहुत पेल स्मोकी सा उनका शक्ल लगता है और फिर से वो वही नेगेटिव थॉट्स में वही सैडनेस में चली जाती हैं कि उनकी मदर काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं और वो कभी भी मर सकती हैं उसके पर फिर भी इन सब डर को ओवरकम करके इन सब डर से डिस्ट्रैक्ट होके ताकि उनकी मदर वीक ना पड़े या उनकी मदर को वो दिखाना नहीं चाहती कि वो बहुत बुरा फील कर रही हैं और सैड फील कर रही हैं जाते वक्त वो उनको फाइनल गुड बाय कहती हैं एंड शी स्माइल्स स्माइल एंड स्माइल्स तो बेसिकली इसमें बहुत आयरॉनिकल एंड है जैसे पूरी पोएम में डिपेक्ट करा गया है कितनी निगेटिविटी है कितना बुरा उनको लगता है कितना ग्लूमी उनका एटमोसफेयर अट्म, है उनके अराउंड बट हाउ एवर इन दी एंड वो सिर्फ स्माइल करती रहती और है और उनको गुड बाय कहती हैं और कहती हैं सी यू सूनम्मा जबकि ये बहुत आयरॉनिकल हैं जबकि क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी मदर माइट पास अवे एनी डे क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं बट फिर भी वो इस होप से उनको कहती हैं सी ओ सुनम क्यों क्योंकि कोई भी चाइल्ड इन जनरल ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी मदर को फिर से ना देख पाए तो यार यही तुम्हारी पोएम की पूरी आउटलाइन है बेसिक समरी यही है और जो नोट्स होंगे यार उसमें तुम्हारी सारी पैराफ्रेजिंग होएगी पैराफ्रेजिंग इज़ बेसिकली तुम्हारा वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हर पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन में तुम्हें प्रोवाइड कर रही होंगी सारे वर्ड मीनिंग्स उसके अंदर होंगे तो मेक श्योर यू चेक आउट द नोट्स क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस समरी का जिसके बिना तुम्हारा पूरा प्रॉपर कवर नहीं होएगा यार पोएम तो मेक श्योर sure तुम दोनों चीज़ें चेक कर रहे हो समरी सिर्फ इतनी ही थी बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो होएगी तुम्हारी एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम ओके गाय